नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृणमूल का दावा, चुनावी झड़प में हुई 5 लोगों की मौत, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में मतदान के दौरान हिंसा की कई खबरें सामने आई। कूचबिहार के सितालकुडी कुची विधानसभा सीट के एक मतदान केंद्र पर सुबह करीब 11 बजे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। रिपोर्ट के अनुसार झड़प में दोनों तरफ से बम और गोलियां का इस्तेमाल हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि टीएमसी का दावा है कि फिर मरने की वालों की संख्या 5 है। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सितालकुची में जब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं आमने सामने आ गए तो तुरंत इसकी सूचना क्विक रिस्पांस टीम को दी गई। टीम के पहुंचने ही ग्राहकों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं इस मामले पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब आप सही तरीके से हमें हरा नहीं पा रहे हैं तो हमें गोलियां मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हत्या पर निशाना साधते हुए ब्रायन ने कहा कि तुम्हारे आदेश के बाद ही चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस के डीजी और एडीजी को बदला था और इस इलाके के एसपी को भी बदला था गया था, जहां हत्या की घटना हो हुई थी।